तो आज हम लोग 11वें दिन आ चुके हैं। सॉरी फॉर द लेट वीडियो, थोड़ा लेट हो गया आज मैं, लेकिन कुछ काम था इसलिए भी लेट हुआ। मैं शुरुआत करूंगा आज एक कल मेरी एक स्टूडेंट से मुलाकात हुई उसकी कहानी से। उसने बताया कि उसको जब डेली टारगेट मिलता है और वो जब डेली टारगेट पूरा कर लेता है तो उसको बहुत खुश लगता है, बहुत हैप्पी होता है, और इसको वो अपनी ईमान शासित कॉपी में लिखता है। और जब कुछ टारगेट बच जाते हैं, छोटे से भी टारगेट बच जाते हैं, तो वो उस कॉपी में जब वो लिखने जाता है कि आज मेरा टारगेट नहीं हुआ, तो उसको ख़राब लगता है। मतलब एक सेंस है कि ईमानदारी, या फिर जब उसमें लिखा कि आज का टारगेट हो गया, तो एक ईमानदारी कि आज ये वाला टॉपिक मैं उतने अच्छे से नहीं कर पाया। तो ये क्या है, ये एक ईमानदारी है आपकी अपने प्रति, आपके अपने टारगेट के प्रति, आपके अपने एम के प्रति जो ईमानदारी है, ये वो दर्शाता है। तो वेल डन आपके लिए, आपने अपनी ईमानदारी दिखाई अपने काम के प्रति। आप इसी तरीके से मेहनत कीजिए, ईमानदारी से रोज़ टारगेट कंप्लीट करिए। मैं जो प्लान बनाया हूँ उसमें ये प्लान है कि आपका 2 महीने में मैं आपका सारा नोट्स कवर करवा दूँ, सारी चीज़ों को 2, 3, 4, 5 बार पढ़वा दूँ और एक आंसर राइटिंग का प्रोग्राम करवा दूँ। तो 2 महीने में मैं आपको सारा नोट्स बनवा दूँगा, सारे चीज़ों को 5 बार पढ़वा दूँगा और एक एक बार दो दो बार सबके आंसर दो बार सबके सभी टॉपिक के ऊपर दो दो बार मैं आंसर लिखवा दूंगा। तो ये 2 महीने में हम लोग का ये प्रोग्राम रहेगा। उसके नेक्स्ट 2 महीने में हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे, एक एक पूरा सिलेबस को 10-10 दिन में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से 60 दिन में हम लोग 6 बार रिवीजन करेंगे पूरे के पूरे सिलेबस को और उसको याद करेंगे, और इतने कॉन्फिडेंट होकर एग्ज़ाम दे के आएंगे कि वो एंग्जाइटी वाला जो भाव अंतिम महीने में आता है वो ना आए। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आज आपका टारगेट है 11वां दिन का। हिंदी में आपको आज पत्र लेखन का टॉपिक, कल मिला था पत्र लेखन का टॉपिक, आज भाषा बोध और ये जो वर्णमाला, राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा, ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स है जो मैंने आपको लिख के दिया है, आप उसको देखिए और उसको कंप्लीट करने का प्रयास करिए। इंग्लिश में भी आज आपको कोई टारगेट नहीं दिया जा रहा है। हिंदी में क्या, दो पेज आपको शब्दावली, छत्तीसगढ़ी शब्दावली जो मैं आपको लिख के दिया हूँ उसको अपनी कॉपी में भी लिखिए और उसको याद करने का प्रयास करिए। इस तरीके से हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी का आज का टारगेट ये रहेगा आपका। इसके अलावा दर्शन का टॉपिक मैंने जो कल आपको दिया था उसके ऊपर आज टेस्ट होगा। आज मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आज आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर लिखिए। और 6 बजे मैं यहाँ पे अपने योद्धा लाइब्रेरी बिलासपुर में बैठता हूँ, 6 बजे आप आइए और मैं आपकी कॉपी चेक करेंगे। सबको ही आइए जो भी बिलासपुर में अवेलेबल है, शाम को 6 बजे हम लोग सबकी कॉपी डिस्कस करते हैं। इसके बाद आप अपना टारगेट यहीं पे कंप्लीट करेंगे। और चूंकि मैंने बताया क्या, 1 तारीख को आपका हिंदी का टेस्ट है, तो कल 29 तारीख को सिर्फ और सिर्फ हिंदी ही आपको पढ़ना पड़ेगा। और अभी तक हम लोगों ने लगभग 80% हिंदी के कवर कर चुके हैं, 20% रिमेनिंग है। और जो भी चीज़ें होंगी आप पढ़े हैं उसको कल फिर रिवाइज़ करेंगे, और जो चीज़ें बची हैं उसको भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से हम लोग टारगेट 1 तारीख से पहले हिंदी को कवर कर लिया। इसी तरीके से दूसरे सब्जेक्ट को भी हम लोग कवर करेंगे साथ में साथ। कुछ चीज़ें जो चल रही है, आप दर्शन के नोट्स बना रहे हैं, याद कर रहे हैं और उसके टेस्ट भी दे रहे हैं। और मैथ्स का एक वीक चल रहा है, आई होप कि आपने अनुपात समानुपात एलसीएम आईसीएफ का जो वीक 2 का टॉपिक है उसको देख के प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैं फ्राइडे को टेस्ट लूँगा, आप तैयार रहेंगे, उसकी सारी चीज़ों को कॉपी में बना के आपका नोट्स बन जाना चाहिए। उसके बाद आपको कोई प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको फिर वो कॉपी जो होगी वही आपकी फाइनल प्रैक्टिस कॉपी होगी, वही आपकी बुक होगी, उसी से ही आपको प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से ही हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। कुछ लोगों ने बोला पत्र लेखन में कुछ डाउट है तो बताइएगा ग्रुप में कि मैं इस पर, हम लोग, मैं सोचा था कि शाम को 7 बजे इसके ऊपर एक लाइव इंटरेक्शन कर लिया जाए। तो आप लोगों को मैं बताऊं थोड़े मोड़े जो भी मेरे को आते हैं पत्र लेखन के बारे में, तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे आधा घंटा के आसपास। तो बताएंगे ग्रुप में कि आप लोग क्या चाहते हैं, उसके ऊपर हम लोग 7 बजे प्लान करते हैं एक डिस्कशन करने का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लगे रहिए टारगेट में, 1 मिनट भी बर्बाद मत कीजिए, तुरंत मोबाइल किनारे रखिए और लग जाइए टारगेट को कंप्लीट करने पे। थैंक यू, मिलते हैं कल फिर।